अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जो एक दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ 27 रमज़ान का, ये व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फुल सहरी से लेकर इफ्तार तक का फुल आपसे व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ, तो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और मैं इबादत की रात के भी वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ताक रात में से 27वीं इबादत की रात मैं आपसे शबे कदर की वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नया आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग में आपको सहरी, इफ्तार और इफ्तार में जो भी मैं डिशेस बनाती हूँ वो सारी डिशेस मेरे चैनल पे अवेलेबल है पहले से। अगर कोई और डिशेस आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और इसमें आतिफ की मस्तियाँ और रमज़ान की बहुत सारी शॉपिंग्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, ईद की शॉपिंग्स। तो चलिए देर ना करते हुए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो आज मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ 27वीं शबे कदर की रात से, इबादत की रात से। मैं जो लास्ट वीडियो में एंड की थी वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज। तो यहाँ से देखिए मैं इबादत कर रही हूँ और यहाँ पे शहरी का वक्त हो चुका है और अब मैं शहरी कर लेती हूँ। शहरी मैं खा रही हूँ फ्रूट्स, और ज़्यादा मैं कुछ खा नहीं, बस फ्रूट्स ही। फ्री हो गई है, अब नमाज़ पढ़ लेती हूँ, सूरा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो आप लोग से मिलती हूँ सुबह में। The next morning. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो सुबह हो गई है। आज दिन भर की जो भी सारी चीज़ें मैं करूँगी वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और यहाँ पे देखिए जनाब गए हैं बाहर मार्केट, तो यहाँ का वो उन्होंने वीडियो शेयर किया है। वो मॉल गए थे कपड़ों के लिए, कुछ कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे आप देखिए जनाब गए हैं वहाँ पे। यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं जनाब ये मॉल में। यहाँ पे देखिए कितना ही रमज़ान मुबारक यहाँ पे लिखा हुआ है गेट के पास। और यहाँ पे देखिए वो अंदर आ गए हैं और अंदर में वो सारी ड्रेसेस की कलेक्शन को दिखा रहे लिए हैं वीडियो। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस है, और यहाँ पे अभी थोड़ा सेल भी है, कम प्राइस में भी मिल रही है, ऑफ़र भी है रमज़ान मुबारक की। तो यहाँ पर आप देखिए रहे हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स बिना स्किप किए, क्योंकि कलेक्शन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। तो आप वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो आप पूरा देखिए और एंजॉय करिए। के कलेक्शन के बाद यहाँ पे बच्चों के कलेक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों की ये कपड़े हैं, बहुत ही क्यूट क्यूट से ये बच्चों के भी यहाँ पे अच्छे खासे कलेक्शंस थे। और अब हम लोग आ गए हैं लेडीज़ के लिए देखने के लिए जनाब आए हैं। और उसके बाद सारी शॉपिंग्स वगैरह होने के बाद वो बाहर निकल कर, बाहर में देखिए इयररिंग्स वगैरह है, बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। प्रोडक्ट्स भी हैं यहाँ पर सारी तरह की मिल रही हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पे कितने ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस यहाँ पे लगे हुए हैं डिस्प्ले में। और ये फैशन वर्ल्ड है, यहाँ की एक एक पीस पूरा सिलेक्टेड पीस रहती है। तो यहाँ का व्लॉग मैं आपसे जल्द ही शेयर करूँगी, यहाँ का वीडियो जाके यहाँ पे बहुत ही अच्छे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जोहर का टाइम हो गई थी, तो मैं यहाँ पे जोहर की नमाज़ पढ़ रही हूँ फ्रेंड्स, और उसके बाद सूरा पढ़ूँगी। सूरा पढ़ने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ नमाज और सूरा पढ़ने के बाद। यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ किचन इफ्तार की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज पनीर पकौड़ा, तो उसके लिए सारे मसाले को मैंने मिला लिया है और उसमें अब पनीर के क्यूब्स कट करके डाल दिए हैं, और उसको अच्छे से मैं मिला लूँगी पनीर के साथ। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो इसकी रेसिपी मैं जल्द ही मैं अपलोड करूँगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं जल्द अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये सारे मसाले मैं पनीर के साथ इसको अच्छे से मिला लूँगी, अच्छे से मिल चुके हैं। तो अब हम इसका बैटर बनाते हैं फ्रेंड्स। इसको हम मिलाने के बाद इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पे पनीर मैरिनेट हो गई है, तो इसे साइड में रख देते हैं और यहाँ पे बैटर तैयार करते हैं। तो बैटर में यहाँ पे लिए एक बड़ा कप बेसन, और उसमें आधा कप मैं डालूँगी चावल काटा, या फिर मैदा भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर सारे मसाले मैं डाल दूँगी, नमक हल्दी जो भी मसाले वो सारी चीज़ें डाल देंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसे अच्छे से मिला लेंगे, अच्छा स्मूथ बैटर बना लेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर मैं बना ली हूँ,
और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे एक एक पनीर को डिप करके उसमें और उसके फ्राई करेंगे, डिप फ्राई करेंगे। तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं और इसको देखिए हमारा पनीर पकौड़ा रेडी है और बाकी सारी चीज़ें भी फ्राई हो चुकी हैं, तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो चलिए अब असर का वक्त हो चुका है, तो असर की नमाज़ मैं पढ़ ली थी और तस्बीह भी मैंने पढ़ लिया है, असर की नमाज़ और तस्बीह मेरी हो गई है। अब फ्रूट्स कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं किचन वापस आ गई और यहाँ पे फ्रूट्स भी कट हो चुके हैं और अब हम लोग दस्तरखान लगा लेते हैं और उससे पहले हम लोग पनीर पकौड़ा और सॉसेज निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए निकाल ली। A few moments later, देखिए दस्तरखान लग चुकी है, तो सिर्फ भाई बैठ गए हैं और वो अपने लिए शरबत रेडी कर रहे हैं, नमक पानी का घोल वो पीते हैं और चीनी भी, और उसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं वो। और यहाँ पे देखिए सारे आ गए हैं इफ्तार के सामान यहाँ पे, तो अब चलिए इफ्तार में कुछ ही वक्त बाकी है तो हम लोग बैठ जाते हैं इफ्तार के लिए, रोज़ा खोलने के लिए और दुआएं मांगते हैं और दुआ में फिलिस्तीन को भी याद रखते हैं फ्रेंड्स। और चलिए मैं रोज़ा खोलने के बाद आपसे मिलती हूँ। 15 minutes late. और यहाँ पे मेरी नमाज हो गई है मगरिब की, इफ्तार भी अच्छे से मैंने कर लिया है और फ्रेंड्स मैं चलती हूँ बाहर और जनाब भी गए हैं बाहर, तो उसका भी मैं वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ और आप वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ईद करीब हो चुकी है, अब कुछ ही लम्हे बचे हुए, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, ईद आने वाली है, तो क्यों मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं कुछ अलग ब्लॉग बनाऊं, ड्रेसिंग का तो करता ही रहता था, आज मैं लच्छे सवाई जो ईद में यूज होने वाली टोपी और सब चीज़ का वीडियो मैं आज शूट कर रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। अल्लाह। यहाँ पे दिल्ली का मशहूर फ्रेश शाही सीरमा मिलता है, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे बना रहे हैं एकदम फ्रेश मिलता है और यहाँ पे लच्छे की क्वालिटीज़ देखिए, हर तरह के लच्छे यहाँ पे मिल रही हैं और भीड़ देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि अब ईद बस दो ही तीन दिन बाकी है आने को, तो देखिए यहाँ के सारे शॉपिंग किए जा रहे हैं ईद के लिए, लच्छों की, सारे ड्राई फ्रूट्स की वगैरह की, सारी चीज़ों की। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कप्स वगैरह भी मिल रही थी और यहाँ पे टोपी और चश्मे और बैग्स भी बच्चों के लिए मिल रही थी, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। तो आप यहाँ पे जनाब सारी चीज़ जो भी लेना था वो ले ली हैं, वो सारी चीज़ें आपको ईद के दिन हम दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए सिर कमा के बाकी सारी चीज़ें ही मिल रही थी, बच्चों के लिए भी थी टोपी और घड़ी वगैरह सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा शॉप मार्केट का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं सारी चीज़ें ही अवेलेबल है, यहाँ के बड़ों से लेके बच्चों के लिए भी सारे लोग यहाँ पे लेने के लिए आ गए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इसी तरह दुआएँ दीजिए, मिलते हैं नए ब्लॉग में आपसे, अल्लाह हाफिज़।